आने की बात की जाए, और कल हमने देखा लास्ट आवर ट्रेड में हमारे सहयोगी सौमित्र ने एक सूरी ब्रेक की, जिसकी वजह से 1.25 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी में हाँ सर्किट लग गया। करेक्ट, मतलब ऑफकोर्स एक अच्छी स्टॉक ब्रेकिंग स्टोरी का इम्पैक्ट है, हम ये नहीं कि हम हमारा हाँ उद्देश्य ही होता है कि दोनों सर्किट लगवा दें, लेकिन ऑफकोर्स इम्पैक्ट ऐसा बाजार ने उसको खुले हाथों से लिया। जियो फाइनेंशियल्स, इसमें 2.5 करोड़ शेयर की 2 बाइंग हुई है प्रमोटर ग्रुप की, और ये स्टोरी सौमित ने ब्रेक की, वो स्टोरी हम वापस लेके आएंगे क्योंकि वो बड़ी स्टोरी है, बड़ी एक्सक्लूसिव थी। डॉक्टर साहब लेके आइए। अक्षय, इनफैक्ट ये आईपीओ है 4-5 दिन पहले डीमर्ज होकर लिस्ट हुआ है, तो चार्टिस्ट हमारे शायद ना देख पाए, लेकिन पार्थिव आप ही बता दीजिए, ये जो खबर हमारी कल ब्रेक हुई जिसने हंगामा कर दिया पूरे मार्केट में, कि प्रमोटर खुद बाजार से 2.5 करोड़ शेयर के 2 ब्लॉक डील्स में माल खरीद रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? जियो फाइनेंशियल में इस भाव से ठीक लग रहा है माल लेना चाहिए? एब्सोल्युटली। देखिए, एक चीज है कि जियो फाइनेंशियल में अगर कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो दैट पर्सन इज इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन द एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी ऑफ मिस्टर मुकेश अंबानी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा सिंपल आर्ग्यूमेंट है कि जियो जो टेलीकॉम का बिजनेस है, वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट बिजनेसेस टू बी इनटू, और उन्होंने जब जियो का टेलीकॉम का कैपेक्स किया था, मुझे याद है काफी नेसियर्स थे जो बोल रहे थे कि बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, यहाँ पे आरओईज और आरओसीज इतने जल्दी नहीं बनते, ये प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, ऑलरेडी इनकम्बेंट्स है, काफी हमने नए शेयर सुने थे। लेकिन टुडे वी सी दे आर सिटिंग एट ऑलमोस्ट 54% मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, और रेवेन्यू भी उनका ऑलमोस्ट 52% है पूरे मार्केट का। तो हम जानते हैं कि ये ग्रुप की जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है बहुत ही शानदार है, और मुझे कोई दो राय नहीं है कि आने वाले 5 साल के अंदर ये जो एंटायर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसकी सिर्फ लेंडिंग जो बुक है वो करीबन 4 से 6 लाख करोड़ के आसपास इजीली हो सकती है। एंड नॉट ओनली दैट, उनके पास पूरा इकोसिस्टम है, बिकॉज उनके जो रिटेल फुटफॉल्स है वहां पे उन्हें डिप्लॉय करने, उनके जो मर्चेंट प्लेयर्स है वहां पे मर्चेंट फाइनेंसिंग करके बड़ा बुक बना सकते हैं, और बड़ा बुक नॉट ओनली टेक्नोलॉजी ड्रिवन बट विद वेरी हाई अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स। तो मार्केट्स को डेफिनेटली ट्रस्ट है, काफी ऐसे इन्वेस्टर्स है जिनको इस तरह के स्टॉक्स अर्ली ऑन जब 1 लाख 1 लाख 20,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ले लेना है, और इसमें कोई दो राय नहीं। हमने देखा है कि बजाज फाइनेंस एक 5,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी से आज 4.5 लाख करोड़ की कंपनी बन गई है, तो आने वाले 4-5 साल में इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी करीबन 4-5 लाख करोड़ की कंपनी होगी। तो इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर से देखने से बजाय बेटर है कि एक डिस्काउंट पे अभी अवेलेबल है, थैंक्स टू द फैक्ट कि टेक्निकल रीजन से सेलिंग हुई, शायद इसीलिए प्रमोटर्स ने भी ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ डाला है इसके अंदर। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक लेना चाहिए।